क्वेश्चन नंबर सिक्स, नहीं फाइव तक हमने करवा दिया था आपको क्लास में। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बिल्कुल फाइव जैसा है, तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस के तौर पर खुद करेंगे। सेवन पर आ रहा हूँ मैं, ये सेवन थोड़ा सा अलग है। और सर आपने बोला था कि जो है वो मुझे कल याद दिला देना, चैप्टर वन का पास पेपर्स का जो मैंने बोला था आपको, एक न्यूमेरिकल रह गया था उसका। एक न्यूमेरिकल रह गया था। एक काम करते हैं अंजिला, ये जब मीटिंग एंड होगी ना तो मुझे तुम दोबारा मीटिंग को कनेक्ट करना, मैं तुम्हें वो दोबारा समझा दूंगा अलग से। सही है, समझ गई? चलो सही है अच्छा। द वॉल्यूम ऑफ द मुझे गैस, समझना भाई। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम बता रहे हैं और टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर दे रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड 762 मिलीमीटर प्रेशर इज 128 ml। प्रेशर बता रहे हैं 762 मिलीमीटर और वॉल्यूम बता रहे हैं 128 ml, ठीक है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस। मास मालूम करना है ग्राम्स में, यानी कि W मालूम करना है, ठीक है, कर लेंगे, उसका कोई इशू तो नहीं है। W मालूम करना है। द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट 24 डिग्री सेल्सियस इज 22 मिलीमीटर। अच्छा, ये प्रेशर दिया है वाटर वेपर्स का 22 मिलीमीटर। अच्छा, अब जरा इस न्यूमेरिकल को समझना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करने से पहले उसको जरा समझना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को अपने वो 9th क्लास के थोड़े बहुत प्रैक्टिकल याद है केमिस्ट्री के? ऑक्सीजन गैस का प्रैक्टिकल याद है किसी को, जो ऑक्सीजन गैस बनाई थी? नो सर, नो सर। यार बताओ बताओ, खाओ। देखो ऑक्सीजन गैस के प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में कुछ केमिकल ले लेते हैं और उसमें डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं, ताकि जब ऑक्सीजन गैस इस फ्लास्क के अंदर बने तो वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए ट्रेवल होकर जाए। इधर होता है हमारे पास एक ट्रफ, उस ट्रफ में भरा हुआ होता है पानी, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब को उस ट्रफ में से पास करते हैं, डिलीवरी ट्यूब को उस ट्रफ में से पास करते हैं ऐसे, ठीक है। पानी भरा हुआ होता है और गैस जार, जिसमें गैस कलेक्ट की जाती है ना, उस गैस जार में पानी भर के उल्टा रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे गैस इस गैस जार में भरने लगती है, वैसे वैसे इस गैस जार में से पानी निकलकर ट्रफ में आ जाता है, ठीक है। जैसे ही सारा पानी निकल जाता है, हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि भाई सारी सारा पानी निकल गया और अब इसके अंदर कंटेनर के अंदर सिर्फ गैस है। अच्छा, इस अमल को कहते हैं कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। ये अमल क्या कहलाता है? ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। वाटर पे गैस का कलेक्शन। अच्छा अब देखो, इस कंटेनर में जो गैस आई है, उस गैस का अपना एक कोई प्रेशर होगा। गैस का मैं मान लेता हूं, गैस का प्रेशर है PG, ठीक है, गैस का प्रेशर होगा। अच्छा, हम ये भी बात जानते हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, वो हर वक्त एवापोरेट होता है, मतलब हर टेम्परेचर पे वो एवापोरेट हो सकता है आसानी से। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पानी जब इसमें से निकल रहा, मतलब पानी जार में से निकल के वापस ट्रफ में जा रहा होगा, तो कुछ ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जो एवापोरेट होकर जार के अंदर ही रह गए होंगे। क्या ख्याल है, ऐसा मुमकिन है? क्योंकि पानी जो है वो हर वक्त हर मौके पर एवापोरेट हो सकता है। क्या लगता है आप लोग, ऐसा होगा? पानी एवापोरेट होकर गैस जार में रह जाएगा, या पानी के मॉलिक्यूल गैस की सूरत में, यानी स्टीम की सूरत में? क्या लगता है, जल्दी बताओ। रह जाएंगे, रह जाएंगे। रह जाएंगे सर। अच्छा, अब गैस के साथ चूंकि पानी भी शामिल है, तो पानी के वेपर्स का भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में ही, ठीक है ना। वेपर के, पानी के वेपर्स का भी अपना कुछ प्रेशर होगा, सही हो गया। और उस गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना प्रेशर होगा। जब मैं इस गैस जार का प्रेशर किसी डिवाइस से निकालूंगा, बैरोमीटर या कोई इस तरह की डिवाइस ले ली, जिससे मैं इस गैस जार का प्रेशर निकालूंगा, तो वो मुझे PT पता चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर PT आया है मेरे पास 400 टॉर, तो 400 टॉर में से मान लिया हमने कि 380 टॉर गैस का प्रेशर था और 20 टॉर जो है वो इसमें वाटर का प्रेशर था।
लेकिन ये जो हमारे पास प्रेशर आया 400 टॉर, ये तो टोटल प्रेशर आया, उसने पानी और गैस दोनों को प्लस करके प्रेशर बता दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो जी सर। सर एक दफा रिपीट करिएगा। बेटा यहाँ पर हुआ ये कि गैस हमने जार में जो कलेक्ट की है, ये गैस जार में गैस जब आई तो गैस के साथ कुछ वाटर के वेपर्स भी आ गए जो इस जार में भरे हुए थे। पानी लिक्विड स्टेट में था, लेकिन पानी हर वक्त एवापोरेट होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो गैस के साथ साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी एवापोरेट होकर आ गए। तो अब इस जार का जो टोटल प्रेशर होगा, उसमें गैस का प्रेशर भी शामिल होगा और वाटर के वेपर्स का भी प्रेशर शामिल होगा। मैं ये क्या है, बात समझ में आ गई? जी सर। अब हमसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी मास ऑफ ड्राई गैस। ड्राई ऑक्सीजन गैस का मास मालूम करना है। देखो, ड्राई ऑक्सीजन गैस का मास मालूम करने के लिए हमें ड्राई गैस का प्रेशर पता होना चाहिए। ये जो कंटेनर का प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, ये तो बेटा टोटल प्रेशर है, ये तो वेट गैस का प्रेशर है ना, ये तो पी वेट है, ये पी ड्राई तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ये तो पी वेट है, पी ड्राई नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अगर सर हमें ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है, यानी कि सिर्फ गैस का प्रेशर मालूम करना है, वाटर का प्रेशर नहीं, तो हमें टोटल प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस करना होगा, तो हमें गैस का सर प्रेशर। आपकी आवाज, क्या कह रही हो बेटा? ठीक है भाई, तो अगर मैं वेट गैस के प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर दूं, तो मुझे ड्राई गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। वेट गैस के प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर दो, ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। जी सर। जी तो सर। अब ये जो मेरे पास प्रेशर दिया हुआ है, ये वाला, ये बेसिकली पी वेट है, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ था। और ये जो प्रेशर है, ये तो वाटर का प्रेशर है, ये तो बता भी चुका हूँ। देखो, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट दिस टेम्परेचर एट दिस प्रेशर इज दिस, यानी कि जो गैस कलेक्ट हुई है ना, उस गैस का प्रेशर है, कलेक्टेड गैस का। अब कलेक्टेड गैस में वाटर के वेपर्स शामिल होंगे, लाजमी सी बात है। ठीक हो गया बेटा? तो कलेक्टेड गैस का प्रेशर ये है जिसमें वाटर के वेपर शामिल है। बाद में आपको वाटर के वेपर का प्रेशर बताया, अब आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है बेटा ड्राई गैस का प्रेशर। ठीक है, आपको मालूम करना है ड्राई गैस का प्रेशर, तो आप बताओ कैसे निकालोगे ड्राई गैस का प्रेशर? 762 में से माइनस कर देंगे 22। वेरी गुड, 762 में से माइनस कर देंगे 22, यानी कि जो टोटल प्रेशर है सूखी गैस, मतलब सिर्फ गैस का और वाटर का, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग PH2 को फ्रॉम पी वेट, PH2O को पी वेट में से माइनस कर लें, तो आपके पास गैस का प्रेशर आ जाएगा। पी जी लिख लिया इसको, पी गैस इज इक्वल टू पी वेट माइनस PH2O। अब पी वेट क्या है बेटा, वेट गैस का प्रेशर 762 माइनस वाटर का प्रेशर 22। अब गैस का प्रेशर क्या आ जाएगा माइनस होने के बाद, 740। 740 mm। सही है? अच्छा, मुझे 740 mm में नहीं चाहिए, मुझे तो एटीएम में चाहिए, याद रहे। तो मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ पीजी को, इसको अगर मैं 760 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 740 को 760 से डिवाइड करके आंसर बताओ, 0.97। 0.97 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में आ गई वैल्यू, मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले से पर। अगला सा क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पीवी इज इक्वल टू एन PV is आर। equals to NRT अच्छा, by यानी कि P. डेटा में मुझे आर की जरूरत है जो मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैं पहले आर भी लिख लेता हूँ। अच्छा, जनरल
टेम्परेचर को भी कन्वर्ट नहीं किया है, 24+273, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 297 केल्विन। अच्छा, वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई होती है ना, तो वॉल्यूम या तो मिलीलीटर में पुट होता है या लीटर में पुट होता है, याद रखना। तो 128 को 1000 से डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा 0.128 लीटर। आर की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम डॉट एम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल डॉट केल्विन। अब पीवी इज इक्वल टू एन को चेंज किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, एन की वैल्यू इशारा दिया। अब फॉर्मूला बना लेते हैं, हमें निकालना क्या है, गिवन मास निकालना है ना, तो डब्ल्यू को यही रहने दो, बाकी सब दूसरी तरफ भेजो, तो डब्ल्यू अपनी साइड पर ही रहेगा, ये हो जाएगा पीवीएम, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और आरटी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लो, प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.97 एटमोस्फेयर, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम आ रहा है 0.128। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, अब यहाँ पे चूंकि मॉलिक्यूलर मास पुट होता है तो दो एटम्स का मास पुट होगा, यानी कि 32, O2 की सूरत में पुट होता है ना यहाँ पर, हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू 297 केल्विन। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। आ गया हमारे पास आंसर बेटा। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, सर ये जो आपने करा था 32, ये वाला समझ नहीं आया मुझे। बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास पेपर में गिवन होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है, तो दो एटम की वजह से मैंने 32 ले लिया वहां। ठीक है। अच्छा, ये देखो 40 टीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है 40 टीएम क्यूब, आर कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर पे कलेक्ट किया गया एट 821 टॉर प्रेशर, और प्रेशर कितना है 821 टॉर। अच्छा ये, अच्छा जब कलेक्टेड ओवर वाटर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये जो प्रेशर दिया हुआ होगा ना, ये पी वेट होगा, कलेक्टेड ओवर वाटर का ये पी वेट होगा, कितना है ये 821 टॉर है, सही है, एट 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहे हैं, 23 डिग्री सेल्सियस। वट वुड बी वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, वॉल्यूम ही मालूम करना है लेकिन ड्राई गैस का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम V2 है और ये वॉल्यूम V1 है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है STP, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर होगा आपका अल्लाह भला करे 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा 1 एटमोस्फेयर, एसटीपी का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। अच्छा, ये पी वेट जो है ना, ये P1 नहीं है, सही है, ये P2 है, ये P2 है, ये P1 नहीं है, P1 अभी आप निकालोगे, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23 डिग्री सेल्सियस इज 21 टॉर, ये वेपर प्रेशर बता रहे हैं, यानी कि PH2O बता रहे कितना 21 टॉर। अब इस वाले सवाल में ना इक्वेशन ऑफ स्टेट सप्लाई होगी, जो आप लोगों ने करी भी है, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2
अपॉन टी टू, ये वाला फॉर्मूला, ये देख रहे हो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, पी वन बी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू अपॉन टी टू, ये फॉर्मूला इस वाले सवाल में अप्लाई होगा, इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म भी कहलाती है। तो अब सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहला काम, यार एक मिनट जरा इसको मैं पहले कलर चेंज कर, सबसे पहला काम तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, अकॉर्डिंगली लिखना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑब्टेन ड्राई ऑक्सीजन गैस प्रेशर, ड्राई गैस प्रेशर, ये मैं सिर्फ आप लोगों की याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, आप अगर नहीं भी लिखते तो चलेगा, कोई मसला नहीं। ड्राई गैस का प्रेशर क्या होगा, पी ड्राई इज इक्वल टू पी वेट माइनस पी एच टू ओ, सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा मैंने ये कहा अभी, पिछला सवाल आपने शायद देखा नहीं हो, तो शायद इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पिछले सवाल में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि जब हम किसी गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उस गैस के साथ साथ थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स भी चले जाते हैं। तो सिंपली अगर आपको सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए तो टोटल जो प्रेशर है ना वो वेट प्रेशर कहलाता है, यानी कि उसके अंदर गैस का प्रेशर भी होता है और पानी का प्रेशर भी होता है। तो आप वेट प्रेशर में से पानी का प्रेशर माइनस कर दोगे तो ड्राई प्रेशर आ जाएगा, ये समझाया। 821 माइनस वाटर का प्रेशर 21, तो ये कितना आ जाएगा 821, तो इस माइनस किया तो ये हो जाएगा 800 टॉर, ये हो जाएगा पी ड्राई। अच्छा अब इसको एटीएम में पुट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी वैल्यू मैंने एटीएम में निकाली हुई है, सही है ना, तो इसको भी एटीएम में ले आओ। पी ड्राई जरा मुझे एटीएम में बताना क्या आएगा, 800 को 760 से डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। सर किससे डिवाइड करने का बोला, आवाज कर दो, 800 को 760 से डिवाइड करो और आंसर बताओ। 1.05 1.05 ATM। अच्छा ये जो P dry आया है ना, ये P1 है, ये P1 है ना, ये P1 था ना, ये P1 है, P2 तो हमें निकालना है, P2 पे के प्रेशर नंबर 2 की कंडीशन पे वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन ये ड्राई प्रेशर ये है P1, तो P1 निकाल लिया हमने। अब P1 निकालने के बाद आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट्स अप्लाई कर दी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के लिहाज से फॉर्मूला क्या है, पी वन बी वन डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाई टी टू। अब इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर की वैल्यूज को जरा कन्वर्ट कर लो, 23 में प्लस कर लो 273, तो ये हो जाएगा 296 केल्विन, और ये हो जाएगा 273 केल्विन। अब वॉल्यूम निकालना है V2, तो V2 को यही रहने दें, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 हो जाएगा, और इसको T2 को दूसरी तरफ भेज दें तो T2 ऊपर आ जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा, ये आ गई फॉर्मूला एडजस्टमेंट। अब वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, V2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू ये रही 1.05 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू, देखिए T1 ये रहा 40 dm क्यूब मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू क्या है, T2 क्या और T2 की वैल्यू क्या है बेटा, T2 की वैल्यू ये रही 273, डिवाइड कर लो बेटा T1 और P1 से, T1 क्या है ये रहा 296
और P1 P2 क्या है, बल्कि P2 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 ये रहा 1 एटमॉस्फेयर। मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, सबको आंसर बताओ। तो तुम 38.73 38.73 dm³, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? जी सर कैलकुलेट दी मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मास का मतलब है बेटा W मालूम करना है, ठीक है। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है कितना, 4000 cm³ एट 1000 टोर प्रेशर। प्रेशर कितना है भाई, 1000 टोर प्रेशर है एट 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सवाल को सॉल्व करने के लिए आर का इस्तेमाल लाजमी है। अच्छा आगे मजीद सवाल सॉल्व करूं उससे पहले जरा ये देखो कि इसमें मुझे यूनिट्स को जो है वो सेम बनाना पड़ेगा। ये 4000 cm³ है, इसे dm³ में होना चाहिए वॉल्यूम को। तो 4000 cm³ को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम पे, dm³ पे, सॉरी 4 dm³ आ जाएगा। अच्छा प्रेशर को कन्वर्ट करना है टॉर से atm में, 1000 टॉर है, इसको डिवाइड कर दें 760 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। बताइए क्या आ रहा है। 1.315 1.315 atm। अच्छा जी टेम्परेचर कितना है भाई, 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 में प्लस कर ले 273, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ रहा है, 308 केल्विन आ रहा है ये। एट अच्छा अब सवाल सॉल्व करना है मुझे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से फॉर्मूला क्या है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। अब चूंकि आपको गिवन मास मालूम करना है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू W/mRT में। अच्छा यहाँ पे W मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू PVm डिवाइडेड बाय RT। फॉर्मूला एडजस्टमेंट में कोई सवाल तो नहीं है किसी को? बेटा फॉर्मूला नो सर। एडजस्टमेंट में, ठीक है। अच्छा प्रेशर की वैल्यू देखो कितनी है, प्रेशर की वैल्यू आ रही है 1.35, 1.315। वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 4। अच्छा मॉलिक्यूलर मास गैस कौन सी दी है, नाइट्रोजन गैस दी है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, दो एटम्स का मास 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर क्या है 0.0821, मल्टीप्लाई बाय टी क्या है 308, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें आंसर बताएं। 5.824 5.824 जी। 5.824 यूनिट आ जाएगा ग्राम। सर आपने नाइट्रोजन के वन एटम का मास कितना बताया था? 14। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। टू डीएम क्यूब ऑफ अ गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 2 dm³ एट 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बता रहे हैं 127 डिग्री सेल्सियस एट 0.0821 atm प्रेशर। प्रेशर बता रहे हैं 0.0821
एटीएम हैज मास ऑफ 1.6 ग्राम, मास बता रहे हैं कितना, 1.6 ग्राम। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, आर की वैल्यू की जरूरत होगी, तो आर आ जाएगा आपके पास 0.0821 एटीएम डॉट टीएम क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। टेम्परेचर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 127 प्लस 273 ये हो जाएगा 400 केल्विन। अब सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अब एन को हम चेंज कर देंगे डब्ल्यू अपॉन एम में, एम हमें मालूम करना है तो एम को इधर ले आओ, बाकी सारी चीजें इधर चली जाएंगी, डब्ल्यू आर टी अपॉन पीवी, ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, एम की वैल्यू, एम के लिए डब्ल्यू की वैल्यू है 1.6, आर की वैल्यू है 0.0821, पी की वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय, पी की वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है बेटा 2, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। थ्री ट्वेंटी एम यू इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 750 टॉर। अब क्या मालूम करना है बेटा, वॉल्यूम मालूम करना है और कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बता रहे हैं कितना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 750 टॉर। प्रेशर बता रहे हैं कितना बेटा, 750 टॉर प्रेशर बता रहे हैं। मास बता रहे हैं 3.2 ग्राम। टेम्परेचर को कन्वर्ट कीजिए, 25 प्लस 273 ये हो जाएगा 298 केल्विन। प्रेशर को कन्वर्ट कीजिए, 750 डिवाइडेड बाय 760 आंसर बताइए, आंसर बताइए। 0.98 0.98 ATM dot DM cube per mole dot Kelvin। सॉल्यूशन करना है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इसका फॉर्मूला है, तो मुझे निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यही रहने दीजिए, एन एन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि गिवन मास इसमें दिया हुआ है, तो थ्री पॉइंट सॉरी एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, और पी भी इधर से उतर के नीचे आएगा, पी आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, B is equal to, W की वैल्यू क्या है 3.2, R की वैल्यू 0.0821,
टी की वैल्यू 298 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन गैस दी हुई थी शायद, हाँ ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है 0.98। वॉल्यूम कितना आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताइए। 2.49 2.49 dm³ क्या आ गया? सर, 1 मिनट नीचे करिएगा। ठीक है सर। अगला सवाल देखो बेटा, 2800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम बता रहे हैं 2800 सेंटीमीटर क्यूब, मेजर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ 900 टॉर, प्रेशर है 900 टॉर, वॉज फाउंड टू हैव। अच्छा ये सवाल इसमें डेटा भी सीखिए बेटा थोड़ा सा, तो इस सवाल को मैं बाद में करवा दूंगा डेटा देख के, ठीक है? ये वाला सवाल करवा देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 24 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बता दिया 24 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बता रहे हैं 762 मिलीमीटर, इज 128 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बता दिया ये 128 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन, मास का मतलब है डब्ल्यू, कितना ऑक्सीजन गैस का मास मिलेगा। सबसे पहले तो इसको कन्वर्जन कर लेते हैं, 24 प्लस 273 आंसर आ जाएगा 297 केल्विन, प्रेशर 762 को डिवाइड कर दें 760 से, आंसर बताएं कितना आ रहा है, आंसर बताएं 1.002 0.002 atm, और 128 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 0.128 dm³। आर की वैल्यू की जरूरत होगी सवाल सॉल्व करने के लिए 0.0821 atm·dm³ पर मोल डॉट केल्विन। सवाल सॉल्व करा, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी बराबर है डब्ल्यू अपॉन एम के आर टी। अब चूंकि मुझे एक डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू यही रहने दीजिए, बाकी सब एक जगह जमा कर लीजिए, पीवी एम अपॉन आर टी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है बेटा, P की 1.002 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू क्या है बेटा 0.128 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू, ऑक्सीजन गैस कह रहा है बेटा 32 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू क्या है 297, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए आंसर बताइए बेटा 0.168 0.168 grams, ये आ गया इसका यूनिट। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। तो आज फिलहाल क्लास यहीं तक रखते हैं।
बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये सारे सवाल अभी तक जितने हमने सॉल्व कर लिए देख लें, अब आप लोग भी जरा हाथ पैर चला लें बेटा, सारे मैं करा दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं क्रैम्स लॉ इन अमेरिकन स्टार्ट कर दूंगा, डेल्टास लॉ, ये जनरल गैस इक्वेशन मैंने अच्छे खासे करवा दिए, ठीक है? तो बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।